मेरी पत्नी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। रात को खाने के अंत में मेरी पत्नी क्लास एक की कॉपी चेक कर रही थी। एक नोटबुक को देखते ही मेरी मिसेस की आंखों से आंसू बह गए। मैं पास में बैठा टीवी देख रहा था। मैंने पत्नी की ओर देखा और अपनी पत्नी को उसके आंसू पहुंचते देखा। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मेरी मिसेस ने कहा, कक्षा एक की परीक्षा में एक निबंध आया, माय विश। तो मैंने पूछा, तो फिर क्या हुआ, इसमें रोने की क्या बात है? ये प्रश्न सुनकर उन्होंने कहा, मैंने सबकी कॉपी देखी, सबने बहुत अच्छा लिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया और कहा, तो इसमें क्या है? मेरी पत्नी ने उत्तर दिया कि एक कॉपी देखने के बाद मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई, आंखों से आंसू बाहर आ गए। मुझे बहुत आश्चर्य और दिलचस्पी थी, तो मैंने पूछ लिया, अच्छा बताओ क्या लिखा था उसमें? मेरी पत्नी ने निबंध पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि काश मैं एक स्मार्टफोन होता। मेरे पिताजी और माँ दोनों के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मेरे पिता जहाँ भी जाते हैं अपना स्मार्टफोन अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मुझे कभी साथ नहीं ले जाते। फोन की घंटी बजती है तो मेरी माँ फोन उठाने की बहुत जल्दी करती हैं, लेकिन मेरे रोने के बाद भी मेरी माँ मेरे पास नहीं आती। मेरे पिताजी स्मार्टफोन पर गेम खेलते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं खेलते। मैं अपने पिताजी से कई बार कहता हूँ कि मुझे भी तो गोद में उठाओ ना पापा, लेकिन पापा मुझे गोद में नहीं लेते, काम का प्रेशर दिखाते हैं। स्मार्टफोन हमेशा पापा की गोद में रहता है। मैं अपनी माँ के पास गया और उनसे कहा कि मेरे साथ थोड़ा सा खेलो, लेकिन मेरी माँ मुझ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं नहीं खेल सकती, देख नहीं रहा कितना काम कर रही हूँ, अभी मैं तुम्हारे मामा के साथ चैट कर रही हूँ, रुको। मेरे माता पिता हर दिन अपना स्मार्टफोन का ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सहलाने का उन्हें समय नहीं मिलता। मेरी माँ जब पापा से फोन पर बात करती हैं, तो स्मार्टफोन पर उनको किस करके बाय बोलती हैं, लेकिन माँ मुझे कभी भी इतना प्यार नहीं करती। मेरे पिताजी हमेशा अपना स्मार्टफोन सर के पास रखकर सोते हैं, लेकिन वो मुझे कभी गले नहीं लगाते और ऐसे ही सो जाते हैं। लेकिन कभी कभी मेरी माँ मुझे खाना देना भूल जाती है, पर स्मार्टफोन को रिचार्ज करना कभी नहीं भूलती। तो मैं एक स्मार्टफोन बनूंगा, मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ और हमेशा अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ। पत्नी के मुंह से ये सब सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया और अपनी पत्नी से पूछा, ये निबंध किसने लिखा है? उसने कुछ देर मौन में उत्तर दिया, हमारे बेटे ने। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। मैं बहुत सी बातें सोच रहा था। मेरे और मेरी पत्नी की आंखों में पानी आ गया। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, बच्चों को समय दें, उनके साथ रहें। अपने बच्चे को दोष देने से पहले खुद से पूछें कि आप उसे कितना समय दे रहे हैं। उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। बच्चे को समय दें। आपका बच्चा आपका भविष्य है।